दीज फोर एजेंट्स कैन इंक्रीज योर किल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलोरेंट के चार ऐसे पावरफुल एजेंट्स के बारे में, जिनको आप ये मानकर चल सकते हो कि चार एजेंट ऐसे हैं जिनको वैलोरेंट ने जानबूझकर ऐसी यूनिक एबिलिटीज दी कि ये टॉप फ्रैग करें। एंड इन एजेंट का यूज करके आप अपनी केडी अच्छी तो करोगे ही करोगे। एंड आपको जो बंदे टॉन्ट मारते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है किल्स करना एंड तुम नूब हो, तो इन सभी टॉन्ट्स का आप जवाब दे सकते हो इन चार एजेंट का यूज करके। एंड इन फोर में से किसी एक जो आपको लगे कि ये एजेंट आपके लिए परफेक्ट है, उसको आप अपना मेन एजेंट बना सकते हो एंड किल्स और अपना गेम प्ले और ओपी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको तो बताऊंगा ही वो एजेंट कौन कौन से हैं, बट उसके साथ साथ मैं आपके साथ रीजंस भी शेयर करूंगा क्यों एजेंट स्किल्स निकालने में इतने माहिर हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर फोर, जेट। सो सबसे पहले हम बात करें एजेंट नंबर फोर की, तो वो जेट है। हमारी जेट एक स्टाइलिश अपीयरेंस वाली एजेंट है एंड इसकी लाइटनिंग जैसी फास्ट एबिलिटीज इसको किल्स इजीली सिक्योर करने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। फिर क्यों ना वो टेलविन जैसी एबिलिटी जो जेट को हेल्प करती है किसी भी डायरेक्शन में स्पीड से मूव करने के लिए, एंड क्लाउड बस्ट जैसी एबिलिटी है जो की एनमी का विजन ब्लॉक करके उन्हें इजिली डाउन कर सकती है, एंड जेट की अपड्राफ्ट एबिलिटी जिसका यूज करके यार आप हाई ग्राउंड एडवांटेजेस ले सकते हो एंड बंदों को इजिली लोकेट करके मार सकते हो। एंड एट द लास्ट जेट का अल्टीमेट ब्लेड स्टॉर्म या इस एबिलिटी का क्या ही कहना, इस एबिलिटी में हम जेट के डेडली थ्रोइंग नाइफ से काफी किल्स निकाल सकते हैं। ये नाइफ इस सक्सेसफुल किल्स के बाद फिर वापस आ जाते हैं एंड आपके पास और भी किल्स निकालने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। नंबर थ्री, फियोनिक्स। यार जैसा कि हम सभी को पता है फियोनिक्स एक पावरफुल ड्यूलिस्ट एंड अग्रेसिव प्लेस्टाइल वाला एजेंट है। यकीन मानो आप अगर फियोनिक्स मेन हो गए एंड आप इसको इफेक्टिवली प्ले करना स्टार्ट कर दिया, किल्स आपके पास यूं चुटके बजाते ही निकलेंगी कुछ इस तरह। बट फियोनिक्स एज अ बिगिनर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इसकी कर्व बॉल जैसी एबिलिटी जिससे हम एनिमीज को ब्लाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इसका गलत तरीके से यूज किया तो ये आपके टीममेट्स यहां तक भी आप भी ब्लाइंड हो सकते हो। एंड फियोनिक्स की अल्टीमेट एबिलिटी रन इट बैक किल्स निकालने में चार चांद लगा देती है, क्योंकि जब आप को एक्टिवेट करते हो तो सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर आप रिस्क लेकर एनिमी पर पुश कर सकते हो, क्योंकि अगर बंदों ने आपको मार भी दिया तो आप वापस से रिस्पॉन हो जाओगे। तो इस एबिलिटी का यूज करके आप बंदों के बीच घुसकर अच्छी खासी किल्स निकाल सकते हो एंड दैट्स व्हाई फियोनिक्स एक काफी अच्छी चॉइस हो जाती है आपके लिए इफ यू लाइक अग्रेसिव प्लेस्टाइल गेम प्ले। एंड आपको डिटेल में फियोनिक्स की एबिलिटी सीखना है तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर दे सकते हो। नंबर टू, रेस। यार हमारी रेस एक ऐसी एजेंट है जिसकी सारी एबिलिटीज स्किल्स निकालने के लिए बनी है, क्योंकि इसकी सारी एबिलिटीज एक्सप्लोसिव नेचर की हैं। एंड सबसे अच्छी बात की रेस का यूज करके हम ठीक ठाक डिस्टेंस से भी इजीली किल सिक्योर कर सकते हैं। लाइक रेस की पेंसिल्स एबिलिटी, ये टाइप ऑफ ग्रेनेड है जो कि ग्राउंड पे गिरते ही स्कैटर हो जाता है स्मॉल एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स में एंड इसके फटते ही मल्टीपल एनिमीज को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। एंड आपने अगर इसे परफेक्टली थ्रो किया है तो आपको इजिली किल्स भी मिल जाते हैं। एंड रेस की जो नेक्स्ट एबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा हमें हेल्प करती है किल्स निकालने में, वो है बूम बॉट। ये टाइप ऑफ ऑटोमेटिक एक्सप्लोसिव डिवाइस है एंड बंदे जैसे इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं वैसे उनके मुंह पे जाके फट जाता है। एंड साथ ही साथ ये बॉट हेल्प करता है बंदों की लोकेशन रिवील करने में एंड लोकेशन पता होने के बाद बंदों को डाउन करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एंड बात करें रेस की लास्ट अल्टीमेट एबिलिटी शो स्टॉपर के बारे में, तो इससे ज्यादा तगड़ी एंड इजी मुझे नहीं लगता कोई अल्टीमेट एबिलिटी है जो सिंगल शॉट में 5 के 5 अपोनेंट को एक साथ मारने का पोटेंशियल रखती हो। सो बढ़ते अपने फर्स्ट एजेंट की तरफ, बट उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसे फ्यूचर में और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है आपको वैलोरेंट से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक एंड कमेंट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आप तक और जेन्युइन कंटेंट पहुंचाने के लिए। एजेंट नंबर वन, रेना। यार वैलोरेंट ने रेना को कुछ ऐसा डिजाइन किया है एंड ऐसी सारी ही एबिलिटीज दी गई है जो उसे टॉप फ्रैगर बना सकती हैं, क्योंकि इसकी दो एबिलिटीज तो ऐसी एबिलिटीज है जो हमें यूज करने को तभी मिलती है जब हम किल करते हैं। पहली डिसमिस एबिलिटी जो कि तब एक्टिवेट होती है जब आप एनमी को मारते हो एंड ड्यूरिंग दिस एबिलिटी रेना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाती है, वो अपने लिए एक सेफ्टी कॉर्नर ढूंढ लेती है बिफोर एनमी अटैक ऑन हर। एंड दूसरी एबिलिटी जो कि काफी ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, डिवायर। इस एबिलिटी में रेना खुद को हील करती है वो भी मरे हुए अपोनेंट के ऑर्क को कंज्यूम करके। एंड रेना की लीड एबिलिटी जो कि ब्लाइंड करने में हेल्प करती है बंदों को, एंड इस ब्लाइंड की सबसे अच्छी ये फ्रेंडली नेचर की एबिलिटी है क्योंकि ऑल ब्लाइंड्स लाइक फिनिक्स स्काई कियो के फ्लैशेस जहां अपने खुद के टीममेट्स को ब्लाइंड कर देते हैं, बट रेना का ब्लाइंड सिर्फ एनिमीज को ब्लाइंड करता है जिससे आप और इजीली किल्स निकाल सकते हो। एंड लास्ट रेना की अल्टीमेट एबिलिटी इंप्रेस। यार ये एबिलिटी रेना की गन की रिलोडिंग स्पीड, हीलिंग पावर, फायर रेट एंड यहां तक कि विजन को भी बढ़ा देती है। एंड ये एबिलिटी हमारे पास 30 सेकंड के लिए होती है जो कि मोर देन इनफ टाइम है 1v5 करने के लिए। सो थैंक यू गाइस, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो एंड थोड़ा भी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया एंड थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना कि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।